5 मार्च 1966 इस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था। क्या अपने ही देश में वायुसेना से हमला करवाना कौन था उस समय? इंदिरा गांधी। और कांग्रेस ने इस सच को देश के सामने छिपाया है, तो ये सत्य देश से उन्होंने छिपाया है। क्या वाकई हिंदुस्तान से 1966 में हुए हमले का सच छिपाया गया? सत्तावन साल पहले जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी, तब मिजो हिल्स की इन पहाड़ियों पर क्या हुआ था? और माननीय अध्यक्ष जी, आज भी मिजोरम में 5 मार्च को आज भी पूरा मिजोरम शोक मनाता है। उस दर्द को मिजोरम भूल नहीं पा रहा है। कभी इन्होंने मरहम लगाने की कोशिश नहीं की है, घाव भरने का प्रयास तक नहीं किया है, कभी उनको इसका दुख नहीं हुआ है। सदन के भीतर प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, उसके मुताबिक पीएम पद पर रहते हुए इंदिरा गांधी ने अपने ही देश के एक हिस्से में बम की बारिश करवाई थी। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस जवाब देने सामने आ गई है और बमबारी क्यों की गई इसकी वजह बता रही है। '66 में एयरफोर्स ने बमबारी करी थी मिजोरम में, बिल्कुल करी थी। आपको पता है क्यों की थी? क्योंकि वहां पर बागी ने ट्रेजरी पर आधिपत्य जमा लिया था, MNF का झंडा गाड़ दिया था, आर्मी दूर थी। इंदिरा जी को एयरफोर्स से बमबारी कराकर वापस भारत का झंडा वहां लगवाना पड़ा। आप इंदिरा और नेहरू जी की बात कर नहीं सकते हैं। ये दो अलग अलग पक्ष है, लेकिन मिजोरम में 57 साल पहले आखिर क्या हुआ था, ये जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है ABP न्यूज। ABP न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल मिजोरम के उस हिस्से में पहुंची हैं जहां वायुसेना के बम गिराने की बात कही जा रही है। मिजोरम की राजधानी आइजॉल, ये वही पहाड़ हैं जहां की गूंज संसद में गूंजी है। ये वही इलाका है जहां की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में पेश कर दी और सवाल उठा दिया सीधा कांग्रेस पर, ये पूछते हुए कि 5 मार्च 1966 को वो दिन था जब भारत की सरकार ने भारत की वायुसेना का प्रयोग भारत में ही भारतीयों पर हमला करने के लिए किया था। इतिहास के पन्ने में दर्ज इन सारी बातों को कांग्रेस कई वर्षों तक नकारती रही, लेकिन सच तो ये है, जो हुआ जो देखा वो आज सबके सामने है। सुंदर पहाड़ियों के बीच उत्तर पूर्व भारत का राज्य मिजोरम, जो साक्षरता के मामले में केरल के बाद दूसरे नंबर पर आता है। ये वो राज्य है जिसकी सीमाएं बांग्लादेश और म्यांमार से सटी हुई हैं। 1972 तक यह असम का हिस्सा था, लेकिन आज कहानी 1966 में मिजोरम पर हुए हमले की है। जनवरी 1966, जब इंदिरा गांधी ने देश के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने हुए सिर्फ एक महीना ही हुआ था कि खबर आई 5 मार्च 1966 को मिजोरम की राजधानी आइजॉल पर वायुसेना ने हमला कर दिया है।
लोग डर के माहौल में जी रहे थे। हम लोग और किसी चीज के बारे में सोच नहीं पा रहे थे। 5 मार्च को हैवी मशीन गन का इस्तेमाल हुआ, लेकिन अगले दिन वायुसेना ने बम का इस्तेमाल किया। इस हमले में आइजोल शहर के 4 बड़े हिस्सों को भारी नुकसान पहुंचा था। हमले से डरे सहमे स्थानीय लोगों ने अपने घर छोड़ दिए और सुरक्षित ठिकाने की तलाश में वो पहाड़ियों पर चले गए। हमले और बमबारी का सिलसिला 13 मार्च तक चला था। तत्कालीन सांसद जीजी स्वेल के मुताबिक मिजोरम पर हमले के लिए जो पायलट लड़ाकू विमान उड़ा रहे थे, उनमें 2 नाम राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी थे। ये वो 2 नाम हैं जो बाद में कांग्रेस में शामिल हुए, सांसद बने और फिर कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी बने। मैं जानता हूं कि जब जब मैंने मन की बात कही है, कहीं कहीं उनका असर होता है, कहीं कहीं उनका उल्टा असर भी होता है। लेकिन मिजोरम में जो कुछ हो रहा था उसकी नींव 6 साल पहले ही, यानी साल 1960 में ही पड़ गई थी। मिजो हिल्स असम का हिस्सा हुआ करता था। 1960 में असम सरकार ने असमिया भाषा को राजकीय भाषा घोषित कर दिया, यानी जिसे असमिया भाषा नहीं आती उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती थी। इस फैसले ने मिजो लोगों के बीच नाराजगी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और फिर धरना प्रदर्शन के जरिए अपनी बात रखने वाला MNF हिंसा पर उतर आया। जो मिजो लोग बटालियन से निकाले गए थे वो MNF में शामिल हो गए और इन्हीं लोगों ने मिलकर मिजो नेशनल आर्मी बनाई। मिजोरम की भौगोलिक स्थिति ने आग में घी डालने का काम किया। मिजोरम के बगल में आज का बांग्लादेश और तब का पूर्वी पाकिस्तान था जो हथियारों की सप्लाई करने लगा। फरवरी 1966 को उग्रवादियों ने ऑपरेशन जेरिको शुरू किया था। 29 फरवरी को MNF ने भारत से आजाद होने की घोषणा कर दी थी। उग्रवादियों ने आइजोल में सरकारी खजाने और सेना के ठिकानों पर कब्जा कर लिया था। उग्रवादियों ने 6 लाइट मशीन गन, 70 राइफल, 16 स्टेन गन और ग्रेनेड से हमला करने वाली राइफल जैसे खतरनाक हथियार लूट लिए थे। टेलीफोन एक्सचेंज को निशाना बनाया गया ताकि आइजोल से भारत के सारे कनेक्शन टूट जाए। भारतीय सेना हेलीकॉप्टर से सैनिक और हथियार पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन MNF की ओर से हो रही गोलीबारी हर कोशिश को नाकामयाब बना रही थी। जब ये खबर 1 महीने पहले ही सत्ता संभालने वाली इंदिरा गांधी के कानों तक पहुंची, तो उन्होंने सेना को जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया। इस हमले के बाद इंदिरा गांधी सरकार पर सवाल उठे तो सफाई में कहा गया कि विमान मदद और खाने पीने के सामान के लिए भेजे गए थे। जब सदन के सदस्य पूछ रहे थे आपने बम क्यों गिराया, इंदिरा गांधी का जवाब था कि हमने चावल और जरूरत की चीजें गिराई थी। बाद में जब वे सदस्य मिजोरम आए, उन्होंने बम को इंदिरा गांधी को दिखाया और पूछा क्या यही चावल था जिसको आपने मिजोरम पर गिराया था। बमबारी में मिजो विद्रोह तो दबा दिया गया था, लेकिन मिजोरम में 2 दशकों तक अशांति छाई रही। लेकिन ये पहली और इकलौती बार था जब भारत के भीतर ही हमले के लिए वायुसेना का इस्तेमाल किया गया था। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हर साल 5 मार्च यानी हमले के दिन को मिजोरम में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 मार्च 1966, इस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था। मिजोरम में शांति तब हुई जब MNF और केंद्र सरकार के बीच साल 1986 में ऐतिहासिक समझौते पर साइन हुए। 1987 में मिजोरम अलग राज्य बना।